सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटे पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आप देख पाओ हमारे वीडियो सबसे पहले। असम की गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है देवी सती का कामाख्या मंदिर। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन 51 शक्तिपीठों में से सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला यह मंदिर रजस्वाला माता की वजह से ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। यहां चट्टान के रूप में बनी योनि से रक्त निकलता है। प्रचलित कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान शिव से शादी की। इस शादी से सती के पिता राजा दक्ष खुश नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इसमें सती के पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती इस बात से नाराज हुई और बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंच गए। इस बात पर राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का बहुत अपमान किया। अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया और हवन कुंड में कूद गए। इस बात का पता चलते ही भगवान शिव भी यज्ञ में पहुंचे और सती का शव लेकर वहां से चले गए। वह सती का शव लेकर तांडव करने लगी। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका। इस चक्र से सती का शव 51 हिस्सों में जाकर किटकर जगह जगह गिरा। इसमें सती की योनि और गर्भ इसी कामाख्या मंदिर का स्थान यानी नीलांचन पर्वत पर गिरा। इस स्थान पर 17वीं सदी में बिहार के राजा नारा नारायण ने मंदिर बनाया। इस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश भर के तांत्रिक हिस्सा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 3 दिनों में माता सती रसवाला होती है और जल कुंड में पानी की जगह रक्त बहता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। 3 दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से इन्हें खोला जाता है। हर साल मेले के दौरान मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पानी माता के रसवाला होने का कारण होता है। इतना ही नहीं, यहाँ दिया जाने वाला प्रसाद भी रक्त में डूबा कपड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन जब मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं, तब मंदिर में एक सफेद रंग का कपड़ा भी छाया जाता है जो मंदिर के पट खोलने तक लाल हो जाता है। इसी लाल कपड़े को इस मेले में आए भक्तों को दिया जाता है। इस प्रसाद को अंबुबाची प्रसाद भी कहा जाता है। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ योनि रूप में बनी एक समतल चट्टान को पूजा जाता है। मूर्तियां साथ में बने एक मंदिर में स्थापित की गई है। इस मंदिर में पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि इन पौराणिक कथाओं में विश्वास न रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर के पास मौजूद नदी का पानी मंदिर के मेले में चढ़ाए गए सिंदूर के कारण होता है, या फिर यह रक्त पशुओं का रक्त होता है जिनकी यहाँ बलि दी जाती है। खैर, सच्चाई जो भी है, इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र रसवाला रक्त की पूजा है, जिसे देखने यहाँ हर साल बहुत लोग आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।